और झारखंड में बीजेपी की नई कमेटी की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की टीम में संतुलन की राजनीति झलकी है, पर सबकी निगाहें टिकी है। मतलब पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के करीबियों को कितनी तरह जीत मिलती है, इसका इंतजार रहेगा। झारखंड में बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की नई टीम, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का सांगठनिक स्वरूप, इन तमाम सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलने जा रहा है। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के साथ ही झारखंड में सांगठनिक गतिविधि तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के समक्ष संगठन के अंदर संतुलन की चुनौती है। आखिर किस तरह की है चुनौती, से समझना जरूरी है। दीपक प्रकाश की नई टीम में बीजेपी के बड़े नेताओं का संतुलन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबियों की नई कमेटी पर नजर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के करीबियों की नई कमेटी से आस, जेबीएम के बीजेपी में विलय के बाद बाबूलाल मरांडी के करीबियों की दावेदारी, अनुभव का लाभ से लेकर युवा के जोश का संतुलन, समाज के हर तबके की नई कमेटी में भागीदारी। देश की इकाई बहुत ही जल्द हम सब लोग गठित करके इसको सार्वजनिक करने वाले हैं। पार्टी का स्वरूप आप सबको जानते हैं, पार्टी के संविधान के अंतर्गत सर्वस्पर्शी, उसमें पुराने चेहरे नए चेहरे का प्रतिशत भी बहुत अच्छा होगा। पुराने का हम कह सकते हैं होश और नए का जोश, ये दोनों का सम्मिश्रण होगा। पार्टी सर्वस्पर्शी होगी, महिलाओं का उसमें भूमिका रहेगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का भी भागीदारी उसमें होने वाला है। भौगोलिक क्षेत्र से भी हम सब लोग, या प्रयास सब लोगों का रहेगा कि सभी क्षेत्र के उसमें लोग कम से कम समावेश हो जाएं। और पार्टी में जो काम करने वाले कार्यकर्ता, वो तो भारत माँ की पूजा करने के लिए आए हैं। पद से ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है भारत माँ की पूजा करने का संकल्प। राजनीतिक और सांगठनिक लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी कहीं से किसी और दल से कमजोर नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि चुनावी रणनीति में बीजेपी की रणनीति उसके आकलन के अनुरूप नहीं रही। संगठन के मोर्चे पर बीजेपी ने खूब पसीना बहाया, पर कुछ एक संगठन के समर्पित पदाधिकारियों को छोड़ दे तो बाकी अपने अपने प्रमंडल में पूरी तरह से असफल साबित हुए। ऐसे में नई कमेटी की घोषणा के दौरान नेताओं के रिपोर्ट कार्ड पर भी नजर रहेगी। देखिए, वो तो अध्यक्ष जी का एक अधिकार, सभी को समिति के आधार पर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कमेटी आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। झारखंड में बीजेपी के नई प्रदेश कमेटी से भविष्य की राजनीति का तापमान तय होगा। प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका के लिए बेहतर टीम का निर्माण जरूरी है। शायद यही वजह है कि दीपक प्रकाश बेहतर संतुलन के साथ राजनीति के मैदान में कूदने को तैयार हो रहे हैं। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज 11 भारत के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।